तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको YouTube पे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कराना है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वैलिड वॉच टाइम चाहिए। अब यहाँ पे मैं वैलिड वॉच टाइम क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने चैनल पे वॉच टाइम तो इंक्रीज कर सकते हो। जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है उसे कंप्लीट तो कर सकते हो, लेकिन जो आपको उस तरीके से जो वॉच टाइम मिलेगा वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी आप उस वॉच टाइम से अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने चैनल पे वॉच टाइम बढ़ाते हो तो उससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं नितेश कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक फूड से में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले तरीके के बारे में। दोस्तों, जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हो या लाइव स्ट्रीम करते हो तो वहाँ से आपको उस वीडियो या उस लाइव स्ट्रीम से अच्छा खासा वॉच टाइम देखने को मिल जाता है। तो वहाँ से आपको जो भी वॉच टाइम मिलता है वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप उस वीडियो या उस लाइव स्ट्रीम को अपने चैनल से डिलीट, प्राइवेट या अनलिस्टेड तीनों में से कोई एक चीज़ करते हो तो जो आपका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होता है वहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप अपने चैनल से कोई भी लाइव स्ट्रीम या कोई वीडियो डिलीट करें तो आप ऐसे इसका ध्यान रखिएगा कि जो आपका वॉच टाइम जो उस वीडियो या उस लाइव स्ट्रीम से मिला होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पर आप ऐड चलवा के अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आपको वहाँ पर सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा और बहुत सारे व्यूज़ भी आएंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको जो सब्सक्राइबर मिलेगा वो वैलिड सब्सक्राइबर होगा। यानी आप गूगल एडवर्ड के थ्रू सब्सक्राइबर बढ़ा के अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। लेकिन वहीं जो आपको एडवर्ड के थ्रू, गूगल एडवर्ड के थ्रू जो आपका वॉच टाइम मिला होगा वो मोनेटाइजेशन के लिए वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड वॉच टाइम होगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो आप यहाँ पे गूगल एडवर्ड के थ्रू वॉच टाइम बढ़ा के अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगला है स्टोरेज। दोस्तों, जब भी आपकी वीडियो का जो लिंक है कोई भी अपने यूट्यूब चैनल के स्टोरी में लगाता है या आप खुद अपने यूट्यूब चैनल के स्टोरी में लगाते हैं तो उस स्टोरी से जो लोग भी आपकी वीडियो को देखेंगे, यानी जो लिंक आप अपने स्टोरी में देते हो और उस लिंक पर जो लोग भी क्लिक करके आपकी वीडियो को देखेंगे, जितना भी आपको वॉच टाइम मिलेगा वो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। हालांकि आपको वॉच टाइम आपकी वीडियो आपके एनालिटिक्स में दिखेगा कि हाँ इतना वॉच टाइम मिला है इस वीडियो से, लेकिन वही वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा। जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है उसमें आपका जो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। दोस्तों, लास्ट है शॉर्ट वीडियोस। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर हम शॉर्ट वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं तो उस शॉर्ट वीडियो से जो भी हमें वॉच टाइम मिलता है क्या मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा या नहीं, क्या हम उस वॉच टाइम से अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर किसी भी तरीके से अगर आप बढ़ाते हैं तो वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है, वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो से जो भी आपका वो जो वॉच टाइम मिलता है वो मोनेटाइजेशन के लिए इनवैलिड होता है, यानी आप शॉर्ट वीडियो से जो वॉच टाइम मिलता है उससे आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन चार तरीकों से अपने YouTube चैनल पर वॉच टाइम इंक्रीज करते हो तो आपका जो YouTube चैनल है वो कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो डिसलाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाले घंटी को भी दबा के ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तक वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में।